गोविंदा को जब गोली लगी तो वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे और उनके साथ वहाँ कौन मौजूद था? इन सभी सवालों का जवाब उनके फैंस चाहते हैं। इस घटना की इनसाइड स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के घर से बुरी खबर कल सामने आई। एक्टर को सूरज की पहली किरण उगने से पहले ही बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। सुबह 5 बजे से करीब ही उन्हें गोली लग गई। बताया ये जा रहा है कि एक्टर को लेफ्ट पैर के निचले हिस्से में गोली लगी। ये गोली एक्टर को किसी ने नहीं मारी बल्कि गलती से लगी। उनकी लाइसेंस बंदूक से ही उन्हें गोली लगी। एक्टर का इलाज अंधेरी के अस्पताल में जारी है। फिलहाल ये घटना कैसे हुई, इस दौरान कौन मौजूद था, एक्टर की पत्नी सुनीता कहाँ थी, उनके बच्चे कहाँ थे, ऐसे कई सवाल हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी हर बारीक जानकारी हम आपको बता रहे हैं। गोविंदा कोलकाता जाने के लिए घर से निकलने वाले थे। उनकी पत्नी सुनीता पहले ही निकल चुकी थी और कोलकाता के लिए निकलने से पहले ही एक्टर खुद अपने कपड़े अलमारी से निकाल कर पैक कर रहे थे। इसी दौरान उनकी लोडेड रिवॉल्वर नीचे गिर गई और ऐसे होते ही गोली चल गई जो बाएं पैर में लगी। ये गोली घुटने के नीचे वाले हिस्से में लगी। फिलहाल क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में हुए ऑपरेशन के दौरान गोली निकाल ली गई। गोविंदा को आईसीयू में रखा गया और उनका इलाज जारी है। गोविंदा फिलहाल स्टेबल है। बताया जा रहा है कि आज देर शाम या कल तक उनको डिस्चार्ज मिल सकता है। इस पूरी घटना के दौरान एक्टर के साथ सिर्फ एक शख्स मौजूद था जिसने उनके साथ हुए इस हादसे को देखा और उनकी पत्नी सुनीता पहले से ही कोलकाता जा चुकी थी। ऐसे में वो इस मामले से अनजान थी। फिलहाल अब उन्हें इसकी जानकारी मिल चुकी है। गोविंदा की बेटी टीना भी अस्पताल में मौजूद है और उनके सामने ही पिता का शुरू हुआ। इस घटना के दौरान गोविंदा के साथ उनके घर में उनका नौकर भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि जब ये घटना घटी तो वो साथ ही था। इस मामले की कार्रवाई करते हुए पुलिस सभी के बयान ले रही है। फिलहाल एक्टर के बेटे कहां थे इससे जुड़े जानकारी सामने नहीं आई है। इस पूरी घटना के बाद गोविंदा का बयान भी सामने आया। उन्होंने अस्पताल से एक ऑडियो मैसेज जारी किया और बताया कि उनकी खुद की गलती से क्या वाकया हुआ। अचानक ही बंदूक जो है उनसे नीचे गोली चल गई और फिर इसके बाद ऐसे में उनके पैर में लगी। उन्होंने बताया कि वो बेहतर हैं और उनका इलाज कड़ी निगरानी में है और इसके अलावा उन्होंने अपने फैंस माता पिता भगवान का शुक्रिया अदा किया। फिलहाल इससे क्या कुछ कहना है आपका, कॉमेंट करके बताएं।